हमने यहाँ पे 4 ऑर्गेनिक कार्बन में गन्ना लगाया था, लेकिन साथ में ही इसका ऑर्गेनिक कार्बन हमारा धीमे धीमे बढ़ता रहे, उसके लिए हमने अलौकिक खाद ग्रीन मैन्योर इसका इस्तेमाल किया। वो दोनों ने लाभ ये किया कि पहले वर्ष में भी गन्ने की उपज हम कटने के बाद, हम अभी 50 टन से ऊपर 80 टन के लगभग इसका हम उत्पादन का लक्ष्य देख रहे हैं कि इसके ऊपर जाएगा 50 के और 80 से कम रहेगा, लास्ट हार्वेस्टिंग होगी तब इसका रियल पैदावार। लेकिन इसने पैदावार क्या किया, हमने जो अलौकिक खाद बनाया है उसका यहाँ पे जो छिड़काव हुआ, हमने ग्रीन मैन्योर किया तो उसने मिट्टी का पैदावार कर दिया, यानी गन्ने की पैदावार को बाजू में रख दिया हमने, तो हमने पहला प्रोडक्शन किया सॉइल का, मिट्टी का। दूसरा पैदावार किया हमने पानी का, 100% पानी बारिश का पूरा यहाँ पे आके हमने रोक दिया, वो पानी ने यहाँ नबी बना के आज, यानी हम पानी रुका अक्टूबर के बाद, उसके बाद आज सिंचाई कर रहे हैं अक्टूबर के बाद, यानी अब दिसंबर में पानी लगा रहे हैं, यानी इतना पानी का यूज़ कम इसमें होने लग गया है, इतने कम पानी में ये गन्ने की पैदावार मिल रही है हमको। अब एक पानी दे दिया तो सीधा हार्वेस्टिंग होगा, यानी बारिश बंद होने के बाद सिर्फ एक सिंचाई की, अब एक सिंचाई के कैलकुलेशन करो, अब यहाँ पे हमने पूरा 2.5 एकड़ का है, 1 करोड़ लीटर पानी को रोक के उसको ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया, यानी वो पानी ने नमी बना के रखा था, तब हमें सिर्फ दिसंबर में एक पानी देना पड़ रहा है 15 दिसंबर को पानी बंद होने के बाद, तो एक पानी में गन्ना, ये उसका एक महत्वपूर्ण शास्त्र ये बन रहा है। इस तरह से हमने पानी का भी प्रोडक्शन किया। अब एक पानी हमने 1 करोड़ लिया, 20% बाष्पीभवन हो गया, 80 लाख में से हार्डली हम पूरा एक पानी की सिंचाई करेंगे तो 10% का यूज़ होगा, यानी ये एक बात जो बोलते हैं गन्ना सबसे ज़्यादा पानी लेता है, हम बोलते नहीं, उसको अगर ज्ञान से किया जाए तो गन्ना पानी पैदा करता है, यानी उल्टा शास्त्र कर दिया। बोलते हैं कि गन्ने से फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा ख़त्म होती है, हम बोलते नहीं, गन्ने से फर्टिलिटी बढ़ती है। अब वो बढ़ती कैसे है, तो वो बढ़ती है गन्ने के बायोमास से, इसमें निकलने वाले वीड से। हम अलौकिक खाद का प्रतिवर्ष इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पशुपालन है हमारे यहाँ, वो पशुपालन से अलौकिक खाद बनेगा, गो संजीवक खाद, ये कंटिन्यू इसका इस्तेमाल होगा, और साथ में ही ग्रीन मैन्यूअर। तो इतने खादों का इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या, एक भोजन की व्यवस्था तैयार होगी पूरे नेचर में। वो भोजन किसका, इंसेक्ट का, ज़मीन के अंदर के कीटों का, वो जीवाणुओं का, जीव जंतु जीवाणुओं का भोजन ये बायोमास है। तो इतना बड़ा बायोमास सब इसमें जब मिलता है तब उनका पॉपुलेशन बढ़ के उनके डेड बॉडियों से फिर हमको जो फॉस्फोरस पोटाश बाकी के हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु, ये नेचुरल फायदा होते हैं। हमने तो ये गन्ने में एक दाना भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया है, नाइट्रोजन का, केमिकल का नहीं किया, लेकिन इसकी ग्रीनरी आप अभी भी देख लीजिए कि बारिश बंद होने के बाद 10 अक्टूबर से बारिश बंद हुई, 15 दिसंबर तक पानी नहीं है, फिर भी इसका ग्रीन बताता है आपको कलर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इतनी व्यवस्थाएं करते हैं, तो अब इसको फिर हमने टारगेट क्या रखा, हमने टारगेट ये रखा कि भाई एक बार गन्ना लगा दिए तो हमको कितने वर्ष तक वापस फिर से गन्ना लगाने की नौबत, कब आएगी नौबत, जब ये 50 टन से नीचे चले जाएगा तब हमें मान्य नहीं होगा कि हमें उत्पादन इसका 50 के ऊपर ही चाहिए, 50 के ऊपर चाहिए। तो जब तक ये 50 के ऊपर देते रहेगा तब तक हम अभी टारगेट 20 साल का लेकर चल रहे हैं। तो इसमें लाभ क्या हो रहा है, लाभ ये हो रहा है कि प्रति वर्ष प्रति समय हमको जुताई करना पड़ता है, वो बड़े खर्चे बचते हैं, उसके बेने लगाने का खर्चा, उसके आँखें लगाने का खर्चा, वो खर्चे से बचते हैं, तो खर्चे में कटौती होती है। इस तरह से लो कॉस्ट में उसका हाई यील्डिंग कैसा लेना, ये पूरे हम लोग गन्ने में अभी हमारा पूरा स्टडी चल रहा है। तो ये हम लोगों के लिए निश्चित एक आशादायी किरण है कि हम इससे पानी भी बना पाएंगे। इस तरह से गन्ना अब ये पानी बनाने वाला क्रॉप हो गया, गन्ना ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने वाला क्रॉप हो गया। ओके।